दोस्तों, अगर आप भी हरमनप्रीत कौर को खतरनाक कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सेमीफाइनल में एक बार फिर से भिड़ी दुनिया की दो बड़ी टीमें। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में विरोधी टीम की कप्तान मैग लैनिंग और मोनी ने मिलकर परचम लहराया, तो वहीं जेमिमा रोड्रिक्स और हरमनप्रीत कौर ने अपनी बल्लेबाजी से मुकाबले का रोमांच चौगुना कर दिया और इस महासंग्राम को इतना ज्यादा रोमांचक बना दिया जिसके बाद अंत तक यह कह पाना मुश्किल हो गया कि कौन सी टीम इस मुकाबले को जीत सकती है। तो आखिरकार कैसे दोनों टीमों के बीच घमासान मुकाबला घटित हुआ, यह तो आपको बताएंगे ही, साथ ही साथ इस रोमांचक मुकाबले की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रोड्रिक्स में से कौन है खतरनाक खिलाड़ी? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाने के लिए करो या मरो वाले नॉकआउट सेमीफाइनल मुकाबले में भारत का सामना वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की टीम से हुआ, जहां पर एक बार फिर से भारतीय टीम के कप्तान हरमनप्रीत कौर के पक्ष में सिक्का नहीं गिरा। तो वहीं विरोधी टीम के कप्तान मैग लैनिंग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं भारतीय टीम में पूजा वस्त्रकार की जगह पर स्नेह राणा को खेलने का मौका मिला। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत एलिसा हिली और मुनी ने की। तो वहीं गेंदबाजी की शुरुआत भारतीय टीम की तेज तर्रार गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर ने की। आपको बता दें, यह मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक होने वाला था क्योंकि साल 2020 की T20 वर्ल्ड कप के बाद से ऑस्ट्रेलिया की टीम ने मात्र 3 मुकाबलों में हार का सामना किया है और ऑस्ट्रेलिया की टीम एक बार फिर से फाइनल में जगह बनाने के लिए ताबड़तोड़ शुरुआत के साथ उतरी, जहां पर पहली गेंद में एलिसा हिली ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए रेणुका सिंह ठाकुर का शानदार स्वागत चौके के साथ किया। इसी के साथ उन्होंने अपना और अपनी टीम का खाता भी खोला। तो वहीं दूसरे ओवर में मुनी भी अपना चौका लगा चुकी थी। इस बीच पावर प्ले के अंतिम ओवर में मुनी ने छक्का लगाकर सभी को हैरान कर दिया। हालांकि पावर प्ले में भारतीय गेंदबाजों ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को मात्र 43 रन बनाने दिए, लेकिन इसी बीच ऑस्ट्रेलिया की टीम ने एक भी विकेट नहीं खोया। इसी बीच 8वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया की टीम का 50 रन का आंकड़ा भी पार हो गया। तो वहीं 8वें ओवर में 52 रन के स्कोर का भारतीय टीम को पहला विकेट भी मिल गया, जहां पर राधा यादव ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए एलिसा हिली को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। आपको बता दें, एलिसा हिली ने 26 गेंदों पर 3 चौके की मदद से 20 रन बनाने के बाद अपना विकेट राधा यादव की गेंद पर विकेट कीपर ऋचा घोष के द्वारा स्टंप आउट होकर दे दिया। इस बीच उनका स्ट्राइक रेट 97 का रहा। तो वहीं बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान मैग लैनिंग आई, तो वहीं उनका आसान सा कैच 9वें ओवर में 1 रन के स्कोर पर छोड़ दिया गया। इस बीच 12 ओवर में मुनी ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, हालांकि वह ज्यादा देर तक इस टीम को नहीं संभाल पाए और इस ओवर में गेंदबाज शिखा पांडे के द्वारा शेफाली वर्मा के हाथों कैच आउट हो गई। इस बीच मुनी ने 35 गेंदों पर 54 रन की पारी खेली। इस बीच उन्होंने 146 के स्ट्राइक रेट के साथ 7 चौके और 1 छक्का लगाया। तो वहीं बल्लेबाजी करने के लिए जब गार्डनर आई, गार्डनर और मैग लैनिंग दोनों ने मिलकर बड़ी आसानी से बाउंड्रीज लगाकर भारत को परेशान किया। इस बीच 18 ओवर में दोनों के बीच अर्धशतक की साझेदारी हो गई, तो वहीं इनकी साझेदारी भी टूट गई। आपको बता दें, 18 ओवर में गेंदबाजी करने आई दीप्ति शर्मा ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए गार्डनर को क्लीन बोल्ड कर दिया। इस दौरान गार्डनर ने 18 गेंदों पर 173 के स्ट्राइक रेट से 5 चौके लगाए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए हैरिस मैदान पर आई। हालांकि इनका बल्ला भी आज नहीं चला और 19 ओवर में शिखा पांडे ने इनको क्लीन बोल्ड कर दिया, जहां पर हैरिस ने 4 गेंदों पर 175 के स्ट्राइक रेट के साथ 1 चौके की मदद से 7 रन की पारी खेली। इसके बाद बल्लेबाजी करने एलिसा पेरी आई, हालांकि अंतिम ओवर में कप्तान मैग लैनिंग ने 2 छक्के और 1 चौके के साथ 18 रन बटोरे। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 20 ओवर में 172 रन 4 विकेट के नुकसान पर बनाए, जहां पर एलिसा पेरी 2 गेंदों पर 2 रन बनाकर नाबाद रही। तो वहीं दूसरी तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए मैग लैनिंग और अपना अर्धशतक लगाने से चूक गई और 34 गेंदों पर 145 के स्ट्राइक रेट से 4 चौके और 2 छक्कों की मदद से 49 रन की नाबाद पारी की खेली। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से शिखा पांडे ने सर्वाधिक 2 विकेट हासिल किए, तो वहीं दीप्ति शर्मा और राधा यादव को 1-1 विकेट मिला। लेकिन इसके बाद जब भारतीय टीम 173 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर उतरी, तो भारतीय टीम की तरफ से शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान में उतरी। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत गार्डनर ने की, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से शेफाली वर्मा ने 2 रन के साथ अपना खाता टीम का पहली गेंद पर खोल दिया। इसके अलावा ओवर के अंतिम गेंद पर शेफाली वर्मा ने शानदार चौका लगाकर ओवर में 10 रन बटोर लिए और टीम को शानदार शुरुआत दी। लेकिन इसके बाद अगले ओवर में गेंदबाजी करने आए स्कट ने भारतीय टीम को पहला झटका 11 रन के स्कोर पर दे दिया, जहां ओवर की तीसरी गेंद पर शेफाली वर्मा को गेंदबाज ने LBW आउट कर दिया। शेफाली वर्मा ने तुरंत DRS लिया, लेकिन अंपायर कॉल के चलते उन्हें पवेलियन का रास्ता देखना पड़ा। इस बीच शेफाली वर्मा ने 6 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 150 के स्ट्राइक रेट के साथ 9 रन की पारी खेली, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए भाटिया मैदान पर आई। तो वहीं दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे स्मृति मंधाना तीसरे ओवर में गार्डनर की दूसरी गेंद पर LBW आउट हुए।
हालांकि अंपायर ने नॉट आउट दिया, लेकिन डीआरएस लेकर स्मृति मंधाना को ऑस्ट्रेलिया ने पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस बीच स्मृति मंधाना ने 5 गेंदों पर 2 रन बनाए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने जेमिमा रोड्रिक्स आई और उन्होंने आते ही 2 गेंदों पर 2 चौके लगाकर मुकाबले का रोमांच बढ़ा दिया। वहीं भारतीय टीम को तीसरा झटका भी मात्र 28 रन के स्कोर पर लग गया। यहाँ पर यास्तिका भाटिया 4 गेंदों पर 7 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 4 रन बनाने के बाद रन आउट हो गई, जिसके बाद बल्लेबाजी करने कप्तान हरमनप्रीत आई, जहां पर उन्होंने पहली गेंद पर चौका लगाकर अपना अंदाज जाहिर कर दिया। तो वहीं पावर प्ले के अंतिम ओवर में हरमनप्रीत कौर ने अपना और अपनी टीम का पहला छक्का लगा दिया और इसी के साथ पावर प्ले में भारत ने 59 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना दिए। और जिस अंदाज से बल्लेबाजी चल रही थी उसे देखकर यही लग रहा था कि भारत इस मुकाबले को अंत में जाकर रोमांचक तरीके से जीत जाएगा। तो दोस्तों, भारतीय टीम की गेंदबाजी को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे, अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।